credentials, I realize that he's actually a role model for all of you who are sitting here. And here I like to put a round of applause to Phil Kantra for bringing him to Kolkata Production College. I mean, at such a young age, you are doing wonderfully. And I hope that our students learn from you and they are able to also mark their own career in the film industries. Our Film Kantra Society is, you know, a bunch of hardworking people. They are doing so many things, and in fact, I've learned they're also making a movie for the college, hoping to see that as soon as possible. And they are also, you know, bringing different directors of, prestigious director, I would say, to the college so that students can learn as much as possible in this particular field. I'm grateful for your time and to support our students in this endeavor. And since unfortunately our principal is out of town, but he has conveyed his regards for you. So thank you so much for coming, and I hope people will have fruitful insights after this session from you. Thank you so much, and best of wishes for your career. Thank you. I hope more awards are coming to your back. Thank you. I want to start the session with by getting to know your own personal journey as a filmmaker, and how did you get into the process of filmmaking? हिंदी में बात करूँ इंग्लिश में कैसे आपको? ठीक है, आप लोग, आप में से कितने लोगों ने अभी फिल्म देखी? How many of you want to make a film? कितने लोग चाहते हैं कि एक फिल्म बनाएं किसी भी चीज़ के ऊपर, या एक फिल्म में एज एन एक्टर आ जाएं? वो तो बहुत लोगों का प्लान है, झूठ कोई नहीं बोलना. मुझे सड़क पे लोग रोक के गाड़ी में कहते हैं कि हमें फिल्म में ले लो. मतलब ये सब मेरे साथ पर्सनली हुआ है, वॉशरूम में भी हुआ है. जब मैं हाथ धो रहा था तो एक जना मेरे साथ हाथ धोने आ गया, कह रहे सर आप अगली पिक्चर आ रही है, सुना है आपकी. मैंने कहा मैंने भी सुना है मेरी पिक्चर आ रही है. सो द जर्नी का स्टार्टिंग पॉइंट कहीं से भी हो सकता है, ट्रस्ट मी. पूरा प्रोसेस इतना एक्साइटिंग है. और यू नो मेकिंग अ फिल्म, इट बिगिंस विद पैशन बट इट्स अल्टीमेटली अ ड्रीम. तो कोई ये नहीं कहता कि मैं फिल्म, आई वॉन्ट टू ग्रो अप एंड बिकम अ, आई वॉन्ट टू मेक फिल्म. दैट इज़ द फर्स्ट यू नो लाइन दैट समबडी सेज कि मुझे फिल्मों में काम करना है, मुझे फिल्में बनानी है, या मुझे फिल्म में कोई भी काम करना है. बट वो कोई उसका करियर पाथ नहीं समझ पाता कि उसका करियर पाथ क्या है, फॉर्मल प्रोसेस क्या है. और मैं आप ही के जैसा हूँ, खुद को मानता हूँ, मैं अभी भी बाहर खड़ा बहुत चीज़ें सीख रहा था. तो द जर्नी स्टार्टेड, ऑफ कोर्स आई वाज परस्यूइंग अ डिफरेंट कोर्स एंड आई एंडेड अप मेकिंग फिल्म्स. सो दैट इज़ द आयरनी ऑफ द होल सिचुएशन. और ज़्यादातर लोग आपको अच्छी फिल्में आज की डेट में वही लोग बनाते हैं, ज़्यादातर परसेंटेज में मिलते हैं, जिन्होंने कभी ज़्यादा फिल्म स्टडीज़ पढ़ी नहीं होती है, या जो उसको लेके क्रिटिकल नहीं होते. क्योंकि उनके पास ना दो बड़ी अच्छी चीज़ें होती हैं, एक तो जज्बात होते हैं, और वो जो काम करते हैं ना बड़ी दिल से करते हैं कि पिक्चर बनानी है, किसी भी हालात में मिले घर से लड़के बना लूँगा, चार दोस्त इकट्ठे करके बना लूँगा या बना लूँगी, तुम एक्टर बन जाना, तुम मेरी पिक्चर में एडिटर बन जाना, तुम्हें कैमरा थोड़ा बहुत चलाना आता है. फिर वो दोस्त ढूंढते हैं जिसके पास कैमरा होता है, फिर उसको कहते हैं ना भाई बहन प्लीज़ गो बहन, ये दो दिन आ जाना प्लीज़. फिर अपने दोस्त घेर घार के लाते हैं फिल्म बनाने के लिए, वो भाग जाते हैं, फिर दूसरी रिप्लेसमेंट ढूंढते हैं. तो इनिशियली द प्रोसेस इज़ लाइक दैट, इवन वेन इट कम्स फ्रॉम अ स्ट्रक्चर्ड और अ फॉर्मल फिल्म स्कूल ऑल्सो. कि सबसे पहले अपने बैचमेट्स के अंदर ही एक कोर ग्रुप से ही आप शुरू करते हो, और वो एज अ हॉबी भी स्टार्ट हो सकती है, वो एज अ गिवन असाइनमेंट भी स्टार्ट हो सकती है. हो सकता है आपने कभी कोई 48 आवर, 24 आवर, 15 मिनट, 30 सेकंड फिल्म चैलेंज भी ले लिया हो, अब तो बहुत सारे आ गए हैं. एंड आपने सबमिट किया हो, कहीं थोड़ा सा आपको लगा हो, आपको इंकरेजमेंट मिली हो कि भाई मेरी फिल्म लोगों को पसंद आ गई, लोग हंसे, लोग रोए, लोगों ने उस पर रिएक्ट किया. तो स्टार्टिंग मेरा भी बिगिनिंग पॉइंट ऐसा ही था. तो आई स्टार्टेड दिस जर्नी आउट ऑफ क्यूरियोसिटी. व्हेन आई स्टार्टेड इट वाज द एरा ही कहूँगा, एवरी डेकेड एंड एरा चेंजेस. तो हर दशक में हमारा सिनेमा, हमारी स्टोरी टेलिंग इवॉल्व करती है. आज से 10 साल पहले किसी ने इंस्टाग्राम नहीं सुना होगा, लेकिन 10 साल आज इफ़ यू लुक एट योर स्कूल देयर वॉज नो इंस्टाग्राम, बट नाउ देर आर रील्स. अब रील्स के ऊपर फिल्में बन रही हैं, गाने डल रहे हैं, और एवरी थिंग इज़ हैपनिंग. सो ऑल फॉर्म्स ऑफ स्टोरी टेलिंग हैव इवॉल्व ओवर द ईयर्स.
So my journey started when I was in the final year of my graduation, that was in computer sciences engineering, and I was in Bangalore for my internship. तो मैं एक घर से बहुत दूर था और होमसिक फील करता था. तो मेरा बेस्ट कंपेनियन था मेरा कैमरा, एंड वही वो दिखते नहीं आपको जो कहीं पे भी चले जाते हैं और कोई फ़ोटो ले रहे होते हैं, कोई खींच रहे होते हैं. अब तो फ़ोन्स हैं, पहले स्मार्टफोन्स में इमेजिंग कैपेबिलिटीज़ नहीं थी. अगर आपने पहले गूगल करके देखना, नोकिया के फ़ोन्स, सोनी के फ़ोन्स, मोटरोला के फ़ोन्स जब आते थे तब ये नए ब्रांड्स नहीं थे, ओप्पो वीवो वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं था. तो कैमरा और DSLR ही आपका एक साथी रहता था, और इफ़ यू कुड हैव अ स्मॉल हैंडी कैम अगर आप देखोगे तो उसी को एक्सप्लोर करते करते लगा कि कुछ बड़ा किया जा सकता है. कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए लाइफ में, शॉर्ट फिल्म बनाई, फेस्टिवल्स में भेजनी शुरू की, रिजेक्शन हुई, बस एक मौका चाहिए था एक्सेप्टेंस का. अगर आपकी लाइफ में एक भी मौका मिल जाए जब आपको कोई एक्सेप्ट कर ले, वो जो आपको नहीं जानता है वो आपकी ऑडियंस है. क्योंकि एक फिल्म डायरेक्टर और एक एक्टर पर्सनली अपनी ऑडियंस, अपने फैंस को नहीं जानते, लेकिन उनके फैंस, उनकी ऑडियंस अपने फेवरेट डायरेक्टर को, अपने फेवरेट राइटर को, अपने फेवरेट एक्ट्रेस को, एक्टर को बहुत दिल से जानते हैं, उनकी फिल्मोग्राफी फॉलो करते हैं. सो इट्स अ वेरी रिवर्स एंड सिम्बायोटिक प्रोसेस. तो जहाँ एक्सेप्टेंस मिली फिर वहाँ से हमने काम शुरू कर दिया, एंड देन देयर वाज नो लुकिंग बैक. If there is any particular filmmaker who inspired you to get into filmmaking? None. I found a void and I jumped into it. मतलब अगर मुझे किसी की तरह बनना होता तो फिर मैं कभी ना बनता, मैं उन्हीं की फिल्में देखता रहता और पूजा करता कि वो अच्छी फिल्में बनाते रहें ताकि लोग काम करते रहें. It is like entering into a startup. अगर आप वही सोल्यूशन दे रहे हो जो ऑलरेडी है, then there is no uniqueness in what you are trying to do. Ever in my career, I have never seen a film like Admitted. Personally, if I would have seen, I would have never made this film. I found there was a big void. There was no storytelling happening for the trans community at a mainstream level, and being represented by the community themselves. ये नहीं है, दूसरे characters तो वो role play कर ही रहे हैं, लेकिन कम्युनिटी नहीं आगे आ रही. सो इस फिल्म से हम कम्युनिटी को ही आगे लेके, एंड आई फाउंड यूनिक पॉइंट इन दैट इन व्हेन आई वाज कंसीविंग दिस फिल्म. सो दैट इज अगेन अ लर्निंग कर्व, एंड दैट्स हाउ आई डिडंट फाइंड एनी मोटिवेशन इन एनीवन, बट आई फाउंड अ वॉइड एंड आई वेंट टू फिल इनटू इट. आई थिंक आई गॉट अट्रैक्टेड टू फिल इनटू इट. या आई कंप्लीटली एग्री दैट एडमिटेड इज लाइक अ मूवी आई हैव नेवर सीन बिफोर एंड इट्स क्वाइट यूनिक. So before the panel, we all saw the movie, and in the screening, we all have received the message which you wanted to give, and we have seen the inspiring story of Dhananjaya. आपने मतलब movie बनाई है, तो उसमें what do you want to express? आपका personal opinion? नहीं, मेरा expression था कि उनके लिए एक voice का एक medium बनना. हमने इसको unfiltered ही रखा है, हमने कोई dialogues नहीं दिए, हमने कुछ भी, we didn't feed them with anything. जेंडर डाइवर्सिटी हमेशा थी, इंक्लूजन अब शुरू हुई है, मैं ये कहूँगा. एवरीबडी वॉज देयर, एवरीथिंग एग्जिस्टेड, एवरी कलर इन द रेनबो एग्जिस्टेड. मतलब कोई आपको ये कहे कि आप लड़के हो आप पिंक कलर मत पहनो, और आप लड़की हो आप ब्लू कलर मत पहनो. मतलब अगर आप टॉयज़ भी खरीदने जाते हो बच्चों के, तो लड़कियों की फ्रॉक एक कलर में बनती हैं, लड़कियों के सॉफ्ट टॉयज़ एक कलर में बनते हैं, लड़कों के सॉफ्ट टॉयज़ और उनको वो फाइटिंग टॉयज मिल जाते हैं, लड़कियों को डॉल्स मिल जाती हैं. अगर आप लड़के को डॉल से खेलते हुए देख लोगे तो आप कहोगे यार इसमें कुछ गड़बड़ है. कोई गड़बड़ नहीं है, क्यूरियोसिटी है. अगर हम एक्सप्लोर ही नहीं करेंगे तो फिर हम कैसे सीखेंगे इन चीज़ों को. सो एवरीथिंग एग्जिस्ट टुगेदर एट द सेम टाइम. और ये कोशिश हमारी हर फिल्म में है कि हम लोगों को अलग अलग वर्ग में क्यों दिखाएं, भी सारा कुछ एग्जिस्ट करता है, इकट्ठे क्यों नहीं दिखा सकते हम. तो अब लोगों में एक्सप्रेस करने की पावर बढ़ गई है. पहले पावर नहीं थी. व्हेन धनंजय वाज देयर इन द यूनिवर्सिटी, देयर वाज नो सोशल मीडिया. शी कुड नॉट राइट. ऑल दैट शी कुड डू वाज राइट लेटर्स टू द वाइस चांसलर, राइट लेटर्स टू द डीन, राइट लेटर्स टू दैट. दैट वाज द ओनली प्रोसेस. नाउ अगर मेरी कोई बात नहीं सुनता तो मैं एक पोस्ट बना के सोशल मीडिया पर डाल दूंगा.
यही होता है ना, अगर कोर्ट या कोई भी मेरी बात नहीं सुन रहा. सो अब ये चीज़ें होनी शुरू हो गई हैं. नाउ द सिस्टम इज ऑल्सो अवेयर, नाउ सिटीजन्स आर ऑल्सो अवेयर. बट जो लोग इस पूरे प्रोसेस में ओप्रेस हो गए, उन्हें लगा कि शायद हमारी इस देश में कोई नहीं सुनेगा. और ये किसी के साथ भी, ये आपके साथ भी है. सो फिल्म इज दैट मीडियम, आई विल से दैट इज अ वेरी एक्सपीरियंशियल मीडियम. यू आर नॉट जस्ट, आप कोई किताब थोड़ी पढ़ रहे हो, आप एक्सपीरियंस ले रहे हो फ्रॉम द राइट पर्सन जो उसमें है. मतलब दैट इज स्पेसिफिकली इन केस ऑफ द डॉक्यूमेंट्री सेगमेंट जॉनरा दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. बट आप फिल्म्स भी देखो तो वो कितना कल्चर में इन्फ्लुएंस डालती हैं. तो मैसेज इस पिक्चर से तो शायद मैं नहीं देना चाहता था. इस पिक्चर से मैसेज ऑडियंस ने लिया, वो उनके अपने इंटरप्रिटेशन पे है कि उन्होंने अपना रिसीविंग पॉइंट क्या रखा है. अगर मेरे सेक्शन में, मेरी यूनिवर्सिटी में या कहीं पे भी कोई अगर एक थर्ड जेंडर कोई भी आए या किसी की कोई पर्सनल ओरिएंटेशन भी है, आई शुड रिस्पेक्ट दैट. लाइक आई नीड माय सेफ स्पेस, आई नीड टू रिस्पेक्ट देयर सेफ स्पेस. हाउ लॉन्ग डिड यू टेक टू फिनिश द फिल्म? ओके, 1 year टू फिल्म इट. Yeah. 2 years इन द फिल्म फेस्टिवल. Releasing got delayed. We were supposed to release this film on 29th of March on the International Transgender Day of Visibility. 22nd of March 2020, everything shut down. The cinema all shut down. Everything shut down. We couldn't release the film in theaters. And I had announced that we would release this film for free. So we took YouTube as the medium. On 13th of June 2020, and the film released. So the whole process from filming till release was actually 3 years of time. So we started principally in December 2017 when I first met Dhananjay. And 2020, June 13th, we released the film. So almost 18, 19, 20, 28 years, 3 years ka time lag gaya. So in this time span, have you experienced any issues while filming? Of course. Yeah. So can you elaborate on that? Picture bilkul platter pe nahi thi. The first challenge, okay, when I met Dhananjay and I told her that I want to film you, she backed off. तो मैंने ऐसा क्या किया है, अच्छा मेरा रोल कौन प्ले करेगा, अच्छा आप ना भैया एक काम करना, आप जिस कैरेक्टर को लोगे ना वो भी ट्रांस होना चाहिए. नाउ द चैलेंज इन कास्टिंग इज, डू यू फाइंड ट्रांसजेंडर्स इन फिल्म एक्टिंग? देर आर पीपल ऑडिशनिंग, बट when द ऑडिशन और when द सिलेक्शन कम्स टू अस, कैन यू नेम वन एक्टर, इवन इफ दे आर नॉट डूइंग मेन स्ट्रीम रोल्स, दे आर डूइंग साइड कैरेक्टर्स हु आर ट्रांस? None of the name comes to me. So if it doesn't come to a film producer or a director, it will never come to the audience. I went home, I didn't sleep for 2-3 nights. Aur wapis aaya aur maine Dhananjay ji ko bola ki see, this picture is not going to be a narrative, it's going to be a docudrama. You are going to do the film. And then it excited her. Because then I told her one thing, and I still believe in that. The place where she is in life right now, representing a big community in terms of education, nobody can fill her shoes. Audience ke saath kya hota hai, where I as a director understand, if you see ki ek film actor ne ek real life person ki biopic ki hai, to log airport pe ya public events mein na unko wo real character samajhna shuru kar dete hain. Matlab it is a great honor for that person also. एंड मे बी रियल महावीर सिंह जी फोगाट की शक्ल भी नहीं किसी को याद होगी, लेकिन दंगल आमिर खान ने की है ये सबको पता है. ठीक है, सो इन दिस केस आई हैड नोबडी हु कुड फिल दैट शूज फॉर हर, एंड द कॉल वॉज देन मेड टू टेक हर, एंड दैट कन्विक्शन वॉज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग. ए बी, ए फिल्म एक पूरा एकेडेमिक ईयर को फिल्म करती है. सो इमेजिन अ क्रू मूविंग इन साइड a public university, I mean this college, and if you go to Punjab University, trust me, it's like 50 times bigger than right now, perhaps the size must be around that size. And we were filming all weathers, sardi, garmi, dhoop. Aapne is picture agar kisi ne puri dekhi hai to isme sare mausam cover hote hain, and you also see Dhananjay's physical attributes also transitioning through that point, the way she is narrating the story and the way she pans out in the end and in the intermittent scenes. There is a big biological evolution that is also going
within her, that is the transformation of being a trans woman. So to bring that into a timeline, that had to be done very realistically. So the overall process really took time, and कोई भी चीज़ वक्त ले तो आपके पास एक चीज़ होनी बहुत ज़रूरी है, वो है पेशेंस. तो फिल्म मेकिंग में जब भी आएँ तो मोटे सोल के जूते पहन के आएँ, आपको नहीं पता कितना चलना पड़ेगा, कब खाना मिलेगा नहीं मिलेगा. सो यू आर जस्ट वेटिंग द होल डे, वेट कर रहे हो, वेट कर रहे हो, वेट कर रहे हो, शॉट मिलेगा नहीं मिलेगा. तो यही चैलेंजेस हैं. ऑडियंस को पटाना उसके अलग चैलेंज होता है. सो थ्रू आउट जो आपने मूवी बनाई है उसमें आपके कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जो दे विल रिमेन फॉर एवर इन योर लाइफ, जो आपको हमेशा याद रहेगा? हाँ, बहुत सारे. जब एन यू आर इन द कॉलेज, वॉट इज़ योर बेस्ट डे ऑफ द होल ईयर, आप मुझे बताओ. जिस दिन कॉलेज छोड़ के जाओगे, क्या वो आपका बेस्ट डे होगा? यस कुछ होंगे तो यस भी होगा ना. हाँ, गुड. पर मेरे लिए ये था, एक तो इस फिल्म को मैं छोड़ नहीं सकता और कोई इस फिल्म को मेरे से छुड़ा नहीं सकता, पहली चीज़. क्योंकि नाउ इट्स समथिंग दैट इज अटैच टू आर नेम, दैट वी आर एबल टू प्रोड्यूस दिस फिल्म, क्रिएट दिस फिल्म. मेरे लिए सबसे अच्छा टाइम ये था इस फिल्म के साथ. अब फिल्मिंग में बहुत यादें रहती हैं, बहुत सारी हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन हैं धनंजय के साथ और हमारे पूरे क्रू के साथ, जो हम तब करते थे जब हम फिल्म नहीं करते थे. दैट इज़ द लर्निंग प्रोसेस ऑफ द फिल्म. वाइल मेकिंग द फिल्म यू आर लर्निंग सो मच अबाउट crime that happens and lot of things that happen. Actually हमारे पास 10 घंटे की footage है. So 10 घंटे से उसको curtail करके under 2 hours feature length में डालना was of course a challenge, but we were able to do it successfully. And हमने इसको education के around ही रखा. We didn't dwell much into personal stories, back stories and that, but जो मेन मुद्दा है उसके राउंड रखी. सेकेंडली जो होता है ना, मेरे लिए रिजल्ट है बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि इन दिस केस 3 साल की मेहनत या 2 साल की मेहनत एक दिन के ऊपर टिकी थी. तो हमने एक स्क्रीनिंग वेन्यू जैसे ये था बुक किया और धनंजय जी आए और उनको यहाँ बिठाया. मैंने खुद थोड़ा पीछे बैठा और फिल्म के जो हेड ऑफ पोस्ट प्रोडक्शन थे वो बिल्कुल पीछे आराम से खड़े हो गए और 2 घंटे तक पिक्चर चलती रही. तो जब पिक्चर ख़त्म हुई तो धनंजय जी, मतलब ट्रायल कहते हैं हम उस प्रोसेस को, कि बिफोर वी रिलीज इट और वी अनाउंस इट, तो पिक्चर का ट्रायल होता है. तो धनंजय जी आके मतलब चुपचाप बैठे रहे एंड पिक्चर ख़त्म हो गई, क्रेडिट्स ख़त्म हो गए और लाइट ऑन हो गई. ऑपरेटर ने लाइट ऑन कर दी और मैं सोच रहा हूँ वो कुछ बोलेंगे, वो कुछ बोल नहीं रहे. और मुझे लगा कि यार ये ना, मतलब मुझे लगता नहीं कि ये वैसी बनी है. She turned around and she had tears in her eyes and I cannot forget that look in her. She got up, she hugged me and she said कि आपने ना, मतलब life में मैं जो सब कुछ भुलाना चाहती थी ना, वो सारा कुछ ना, ऐसे लग रहा मेरी ज़िंदगी की रील आपने recreate करके ना सारी आंखों के सामने ला के रख दी है. So imagine yourself walking in these corridors 30 years later. So when you start remembering everything somebody creates that for you, it really touches you. Maybe it will or maybe it will not, but for her it did, and that was our first win. कि जिनके ऊपर हमने फिल्म बनाई है, क्या वो उसके साथ स्टैंड लेंगे कि नहीं लेंगे? ऐसा ना हो ना कि वो कहें नहीं, इसमें जो भी था आई कुड नॉट रिलेट टू एनीथिंग आउट ऑफ इट, तो आई एम नॉट विद द फिल्म आफ्टर दिस. तो हमारा तो सारा 2 साल का किया कराया है, हम तो फिर से शुरू से शुरू करते. But then she wrote a very heartwarming note. There is an episode on the 100 days of admitted also available on YouTube. वेर दैट नोट साइनिंग प्रोसेस, जब उन्होंने लिखा कि शी रोट अ वेरी पर्सनल नोट विच ऑलमोस्ट होल्ड्स एन इक्वल वैल्यू राइट नाउ टू मी एज द नेशनल अवार्ड, बिकॉज आई थिंक उनकी लाइफ में जो इस फिल्म के बाद चेंज आया है, द रिकग्निशन पीपल हैव एक्चुअली स्टार्टेड गिविंग हर द रिस्पेक्ट, आई थॉट शी डिजर्व्ड इट, बिकॉज शी वॉज नॉट जस्ट फाइटिंग फॉर हर ओन सेल्फ, शी वॉज फाइटिंग फॉर एवरी वुमन. नाउ शी इज़ अ She is a gender activist. She is not a transgender activist. But since she is a transgender, so people who are trans relate to her more. ऐसा आपको कोई problem है, आप उनको contact करोगे, I think she will be the first person to help you, and she still does for everybody who approaches us across India. मतलब India से बाहर से हम लोग बहुत कर रहे हैं, but this film really, I think, did good for her, and I am happy that I became a channel, a way, एक रास्ता बन गया मैं कि ये फिल्म उनके ऊपर बन सके.
How does it feel to, you know, your film is recognized on both national and international levels. It has been awarded national award. So how do you feel? आप बताओ कैसा फील होना चाहिए. Honestly बताओ, आपको एक फिल्म के लिए अवार्ड मिल रहा है, आपको कैसा फील होगा? You should ask your बैचमेट्स कैसा फील होना चाहिए. हैं क्लाउड नाइन. हाँ सेटिस्फैक्शन और क्लाउड प्राउड प्राउड. हाँ तो ये सारी फीलिंग्स हैं, यू नो. एंड अ बिगेस्ट फीलिंग दैट कम्स विद विनिंग एन अवार्ड फॉर अ फिल्म दैट इज दैट कुड बी रिसीव्ड अवार्ड्स फॉर द बेस्ट डायरेक्टर, फॉर द बेस्ट क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड. ये देर आर close to around 18 awards for the film admitted, but national award is like isse upar nahi hai na, isse upar Rajat Kamal se upar to ek film ke liye nahi hai. This brings a lot of responsibility. Now the audience which is attached, they are expecting more out of you. Iske baad kya, that happens to every filmmaker. To award jitni jaldi mil jaye na utni jaldi pressure ban jata hai. I feel happy, overwhelmed bhi hai. Matlab जब अनाउंस होता है तो अलग फीलिंग होती है, जब आप अवार्ड लेने जाते हो तब तक आप थोड़े कंपोज्ड हो चुके होते हो, आपने इतने इंटरव्यूज दे दिए होते हैं. एंड वंस यू लुक एट द अवार्ड तो मेरा तो फ्लैशबैक ही चलने लग जाता है. एंड यू स्टार्ट सीइंग, यू नो, एवरीथिंग यू डिड इन लाइफ टू कि आप ये दिन देखो. एंड देन यू आर हैप्पी टू शेयर दैट जॉय, बिकॉज आई थिंक दिस इज अ जॉय दैट आई कैन नॉट कंटेन, आई कैन ओनली शेयर. ये इस चीज़ की टेस्टिमनी है कि लोगों को फिल्म पसंद आई. वही अगर भारत के राष्ट्रपति मैडम को ही इस फिल्म के बारे में पता है तो व्हाट मोर, मतलब व्हाट मोर कुड आई हैव आस्क्ड फॉर. सो द लास्ट क्वेश्चन वुड बी लाइक, एज मेनी ऑफ अस आर एस्पायरिंग फिल्म मेकर्स, सो डू यू हैव एनी पीस ऑफ एडवाइस फॉर अस, सो हाउ डू वी कैन गेट इन द प्रोसेस ऑफ फिल्म मेकिंग. हाउ मेनी ऑफ यू आर एस्पायरिंग फिल्म मेकर्स? या आई एम. तो हाथ खड़े करो ना पहले. कितने लोगों के भी आप पे क्वेश्चन पूछ रहे हो? 5 लोगों के भी आप पे, 6-7. आप डू यू रियली नीड एडवाइस? पेरेंट्स को कन्विंस कर लेना और एक फिल्म जरूर बना लेना, चाहे वो ना भी चले, ताकि तुम्हें गिल्ट ना हो कि तुमने अपने ड्रीम्स को ट्राई नहीं दिया. सो व्हाट इफ समथिंग डजंट वर्क? लोग फिल्म्स क्यों नहीं परस्यू करते? बिकॉज दे आर टोल्ड कि व्हाट इफ दिस डजंट वर्क, सो वॉट. ऐसे तो कोई दवाई भी इन्वेंट नहीं होगी, ऐसे तो कोई इलेक्ट्रिसिटी ना होती, ऐसे तो कोई फ़ोन ना आता. ओनली वेन यू अंडरस्टैंड वाई अ थिंग डजेंट वर्क, तुम्हारा थॉट प्रोसेस क्लियर होता जाता है ऑफ द वेज दैट प्रोसेस विल नॉट हैपन, सो दैट यू कैन फोकस ऑन द थिंग्स दैट मेक इट हैपन. और टीम वर्क में काम करना, 6 लोग अगर हो टीम बना लो, ताकि पता हो कि किसको क्या काम करना है, और हर आदमी सारे काम मत करना. दैट इज़ माई एडवाइस. तुम भाई डायरेक्ट भी कर लेना, तुम एडिट भी कर लेना, तुम लिख भी लेना, तुम ये भी कर लेना, तुम वो भी कर लेना, फिर वो खिचड़ी पक जाएगी. फिर ऑडियंस पिक्चर देखेगी और सोचेंगी कि कितने लोगों ने बनाई है और किसी का थॉट अलाइन नहीं कर रहा. दैट इज़ अ स्टेट ऑफ कन्फ्यूज स्क्रीन प्ले जो बात है. इट्स लाइक कि एक बच्चे को 10 लोग मदर कर रहे हैं, 10 लोग फादर कर रहे हैं. अगर आपको आप ऐसा कोई कॉमन सब्जेक्ट है अगर आपको कोई लगा हुआ है टू एवरीवन, इंग्लिश. अगर 10 प्रोफेसर आके आपको इंग्लिश पढ़ाने लगे तो आप किसकी इंग्लिश पढ़ोगे? बस ये स्टेट में कभी मत जाना. सो डिफाइन द टास्क, क्रिएट अ टीम, असाइन रोल्स एंड लिव विद दैट रोल फॉर अ सर्टेन टाइम, क्योंकि फिल्म मेकिंग इज़ अ वेरी फ्लूइड प्रोसेस. लिरिसिस्ट राइटर भी बन जाते हैं, एक्टर सिंगर भी बन जाते हैं, सिंगर एक्टर भी बन जाते हैं. जिन्होंने 30 साल फिल्मों में एक्ट कर लिया है वो डायरेक्टर एक पिक्चर डायरेक्ट भी करके देख लेते हैं. जो उन्होंने 15 साल फिल्में डायरेक्ट कर ली हैं फिर वो 16वें साल में प्रोड्यूसर बन जाते हैं. बिकॉज देन यू ग्रेजुएट टू अ डिफरेंट रोल. सो बी ओपन टू अपॉर्चुनिटीज. दैट इज़ माई पीस ऑफ एडवाइस. वैसे यू गाइज आर वेरी इंटेलिजेंट तो यू डोंट नीड एडवाइस. But since you have asked for it, this is my advice. So I would really like to thank you. So the panel is now open for any audience questions. Yeah. आपको धनंजय जी के बारे में सबसे पहले पता कैसे चला? And did you first think I have to make a film about the trans community? And then did you find धनंजय?
or was it opposite? You found Dhananjay and then you were like, oh, this person has lived such a remarkable life that I have to capture. 2017 दिसंबर में आई थिंक अराउंड 7th ऑफ दिसंबर की बात है जब हम हरियाणा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल से वापस आ रहे थे. हमारी फिल्म थी जुबान विच हैड वॉन दी बेस्ट एक्टर अवार्ड. सो डू वॉच जुबान, इट्स ऑन द सेम यूट्यूब चैनल. एंड जस्ट बिफोर आई वुड जस्ट मेक अ रिक्वेस्ट, इफ़ यू हैव लाइक द फिल्म एंड इफ़ यू हैव जस्ट वॉच द फिल्म, दिस फिल्म कॉन्शियसली हैज़ बीन रिलीज फ्री. It has not been given to any OTT platform so that आप लोग इसे access कर सको, इसको refer कर सको, कभी cite कर सको in your research, in your कभी life में कोई आपको film बनानी हो तो this is available to you absolutely free. So just give it a like on the channel and write your thoughts in the comment section. That is what all we need. No money and no charge involved in it. So Zuban is also available on the same channel, right? So Zuban won for the best actor and I had come home and last night award night ho gayi aur award ki photos aa gayi and newspaper mein wo aayi bhi thi. So ab next day curiosity to hoti hai as the first film as a producer aapki film picture mein itna bada award mila hai. Aur subah akhbar waise aap mein se kitne log padhte ho subah uthke? Yaar main nahi padhta, matlab agar main nahi padhta to haath mat hi khade kar. Jo padhte ho, I have big respect for all of you. You are very aware of what happened. उसी दिन जब पता ना कि newspaper में photo आई है तो मैं सुबह उठा तो WhatsApp पे message आ गए थे कि boss आपकी photo आई है, भाई आपकी photo आई है, sir आपकी photo है. मतलब you wake up and you have like होता है, इतने भी ज़्यादा fake number नहीं quote करने. 16-17 message थे. मतलब अगर किसी ने सुबह 7 बजे ही message किया तो मतलब वो मेरे से early riser ही थे ना. तो 16-18 को मैसेज होंगे. तो आई सॉ द न्यूज़पेपर और उसमें हमारी फ़ोटो लगी हुई थी. फिर मैंने कहा मैं उठ ही गया हूँ, मैं ज़रा और पन्ने पलट लूँ. तो वो पन्ने मैं नहीं पलट रहा था, वो मेरी डेस्टिनी मेरे से वो पन्ने पलटवा रही थी. तो मैंने पढ़ा, मैंने सोचा यार बड़ी जेन्युइन सी डिमांड है इसमें. मुझे नहीं लगता कि यूनिवर्सिटी जिसके पास 15-20 हॉस्टल्स हैं, 4 कमरे दे दें उनको, कहीं पर भी ऊपर दे दें, 3rd floor पे दे दें, 4th पे दे दें, नीचे गार्ड हो. एंड आई अंडरस्टूड कि यूनिवर्सिटी का क्या पॉइंट है, क्योंकि अंडर द एजेस ऑफ द लॉ गर्ल्स हॉस्टल में रहेंगी, बॉयज़ हॉस्टल में रहेंगे. अब दिस इज़ द न्यू जेंडर तो इट शुड हैव अ न्यू हॉस्टल. तो दैट इज़ द न्यू नेक्स्ट स्टोरी विच इज़ पार्ट ऑफ द फिल्म. तो आई स्पोक टू मोना हु इज़ माई वाइफ नाउ. तो आई टोल्ड एंड शी वर्क्स फॉर द ट्रिब्यून न्यूज़पेपर, राइट? So I told her that if you have or anybody in the media has contact of Dhananjay, because some reporter would have gone to her and taken her interview and would have fixed him some time. So through her I met Dhananjay. And when I met Dhananjay, I understood ki there is a sea of emotion. Yaar samundar hai, to glacier upar se itna dikh raha hai, niche to bahut kuch hai. So I took the biography as the anchor point, not the community as the anchor point. But when she came as the anchor point, the community came in totality. So my starting point was Dhananjay, and then whatever she gave it to us, we took it in our stride. So after her interview, the challenge was whatever she had spoken, wo hume sara prove karna hai. That is documentary. If you don't prove what you have said, evidence nahi hai us cheez ka, so then it is fiction otherwise. Other question, because I really like her. So I just wanted to know, how is she doing? Like, the film was released in 2020, right? Yes. And she was talking about she would like to have a companion. Like, did that ever happen? Yes, that happened. She has a partner now. Yeah. And they have been adopted by a family, an old couple, but she has home. And she is now traveling places. Now, if you could follow her on any of her social media platforms. So she is like going to all universities now. Now the doors have opened. Now, at least people don't have that first point of barrier of not knowing who she is. Now they know her, now they're calling her and they say, okay, we have people, we identify people who are facing issues with their gender, or maybe she's a psychologist as well. I will say she's so much has happened in her life that she has become what she is now. So I think this is the best phase of her life now, and I wish her luck as well. I feel I am equipped enough to tell good stories. और मैं
लोगों को एक अच्छी फिल्म देना चाहता हूँ और वो अच्छी फिल्म मैं कौन सी दूँ वो मेरे लिए एक चैलेंज था. आई चोज एडमिटेड एंड आई एम प्राउड ऑफ इट. अगर आप में से कुछ लोग कहोगे कि हमें फिल्म्स बनानी है या वट एवर पैशन और करियर यू वॉन्ट टू परस्यू, पेरेंट्स कभी कभी थोड़े से प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, क्या कि यार हमें तो पता ही नहीं इस इंडस्ट्री का, हमें तो तुम स्ट्रगल ही करोगे, हमने ये सुना है कि वो हाँ लोग भूखे सोते हैं, वहाँ लोग ऐसे करते हैं, वहाँ बड़ी मी टू मूवमेंट भी होती है इस काम में, करप्शन बड़ी है. तो डू यू थिंक दैट इज़ गोइंग टू स्टॉप एनीबडी? इट डजंट. सो थोड़े से हम पक्के थे तो हम निकल गए. Thank you so much for coming to our festival and thank you so much for taking our time for us. Thank you. Thank you so much.